मुझसे किसी ने पूछा, हैरी भाई बलेनो का फेसलिफ्ट आ रहा है। तो मैंने भी बहुत क्यूरियोसिटी से ये देखना शुरू कर दिया कि बलेनो का कौन सा फेसलिफ्ट आ रहा है। तो अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई ये तो कोई फेसलिफ्ट है ही नहीं, इसको तो फेसलिफ्ट बोलना चाहिए बजाय फेसलिफ्ट। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टैग में, टेक ऑटो ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त हैरी, और आज मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी के नए बलेनो के फेसलिफ्ट के बारे में। तो क्या वो चेंजेस हैं पुरानी बलेनो और नई बलेनो में, जिसके बेसिस पे कंपनी इसको फेसलिफ्ट कह रही है? मुझे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लगी, ये कुछ फेसलिफ्ट भी मैं इसे शायद ना कह पाऊँ। सिर्फ़ एक शायद बम्पर चेंज करने से फेसलिफ्ट नहीं बन जाता। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं इस गाड़ी में, कंपैरिजन करूँगा मैं इसको पुरानी बलेनो को नई बलेनो के साथ। तो सबसे पहली जो चेंज आपको बलेनो नए फेसलिफ्ट में देखने को मिलेगी, वो है इसका फ्रंट बम्पर। फ्रंट बम्पर यहाँ पे कुछ पहले से शार्प बनाया गया है, कुछ कर्व्स एजेस बनाए गए हैं। फ्रंट पे आपको कुछ एजेस मिल जाएंगे, ऐसे एजेस, सिमिलर एजेस आपको वॉक्स वैगन की पोलो में देखने को मिल जाते हैं। तो ये शार्प एजेस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। दूसरा जो चेंज है, यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स का चेंज दिख जाएगा। फॉग लाइट्स पहले पुराने वेरिएंट में, पहले पुराने मॉडल में आपको जो नीचे बम्पर है, जो उसकी ब्लैक ग्रिल होती है, उसी में इंटीग्रेटेड मिलते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स कुछ अलग बम्पर में फिट किए, जिसके अराउंड बॉडी कलर पेंट किया होगा अलग। मीन्स आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, फॉग लैम्प्स आपको कुछ अलग फिट किए यहाँ पे दिखेंगे। इसके अलावा गाड़ी के एक्सटीरियर में और कोई भी चेंज नहीं है। इवन रियर एंड भी आप देखो तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि ये एक फेसलिफ्ट है या पुरानी गाड़ी है। फ्रंट पे भी उसी को सिर्फ पता चल पाएगा जिसको इसके बारे में नॉलेज है, बाकी और कोई भी देख के आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये नई गाड़ी है, 2019 मॉडल है या 18 मॉडल है। हाँ, इंटीरियर में कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। वो इंटीरियर्स ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे आपको अब डुअल कलर्ड सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया गया है, आपको डबल कलर्ड सीट्स मिल जाएंगी। उसी के साथ डोर्स पे भी वही ब्लू कलर आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड मिलेगा, जो कि एक अच्छी फीलिंग आपको देगा, कुछ पहले से प्रीमियमनेस फील आपको करवाएगा। इसके अलावा जो थर्ड चेंज है यहाँ पे, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी यहाँ पे आपको चेंज्ड मिलेगा, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि आपको वैगन आर टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप जो बेस वेरिएंट है, वहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वहाँ पे फिजिकल कीज़ के अलावा आपको फिजिकल की जगह पे आपको टच स्क्रीन बटन्स मिल जाते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल कंपनी ने कोई पिक्चर वगैरह डिस्क्लोज़ नहीं की, लेकिन न्यूज़ के अकॉर्डिंगली, जो हमारे सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो यही पता चल रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटिव टच स्क्रीन कुछ बटन्स इंफोटेनमेंट सिस्टम में आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। और इसके अलावा एक और मेन यहाँ पे चेंज है, मैं चेंज नहीं इसको कहूँगा, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स जो हैं, जो पहले अलॉय व्हील्स आते थे वो कुछ अलग शेप के थे, यहाँ पे आपको एक अलग तरह के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। और लास्ट चेंज आपको यहाँ इस गाड़ी में देखने को मिलेगी, एबीएस आपको यहाँ पे एज स्टैंडर्ड ही मिल जाएगा, जो कि पहले से ही मिल रहा था। एयरबैग्स टू, डबल एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, ईबीडी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। और एक जो मेन चेंज है यहाँ पे जो अब की गई है, वो है रियर पार्किंग सेंसर्स। रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पे एज स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा वीडियो, कंसाइज सा वीडियो, और जो मेन चेंजेस हैं गाड़ी के, अगर वो आपको पता चले हैं, अगर आपको रियली ये एक फेसलिफ्ट लग रहा है,
तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ज़रूर करें। तो लास्ट पे जाते जाते मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और चाहिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आप इमीडिएटली जब भी जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसके अपडेट्स मिल जाएं, आप उसको देख पाओ। और फ्रेंड्स में कर दीजिए शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।